हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग गिफ्टिंग प्रोडक्ट। दोस्तों यहाँ पे आज हमारे पास इस तरीके के मिस्ट्री बॉक्स है और देखते हैं इसके अंदर क्या गिफ्ट निकल के आती है। दोस्तों तो इसके पहले भी जो हमने काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के जो है गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स जो है, बर्थडे गिफ्ट हो गया, एनिवर्सरी गिफ्ट हो गया, यहाँ पे है ना सगाई में कुछ गिफ्ट देना हो, किसी घर के जो है क्या बोलते हैं कि गृह प्रवेश के लिए गिफ्ट देना हो, गुड लक गिफ्ट देना हो, ऐसे अलग अलग वैलेंटाइन गिफ्ट देना हो, ऐसे अलग अलग ओकेजन के लिए जो है हमने गिफ्टिंग प्रोडक्ट के वीडियोस दोस्तों बनाए हुए हैं। तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास आज कुछ स्पेशल जो है लग रहा है दोस्तों, देखते हैं क्या निकल के आता है इसके अंदर से। तो इसके पहले जो है क्या बोलते हैं कि आपको किस तरीके की गिफ्ट चाहिए अपने जीवन में, या तो आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी वाली गिफ्ट मिली है आज तक, किसने दी है, कौन से ओकेजन पे दी है, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ओके, अगेन मिस्ट्री के अंदर एक और मिस्ट्री, क्या बात है दोस्तों। चलिए इसको भी हम रिवील कर देंगे थोड़ी ही देर में, वीडियो को जो है आप देखते रहिए। मिस्ट्री बॉक्स के अंदर अगेन मिस्ट्री, क्या बात है। फिर से अभी आपको मैं बोलता हूँ कि चाहे तो आप अभी भी एक बार गैस करके बताइए कि क्या जो है हो सकता है इसके अंदर। वैसे तो थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा, थंबनेल और वीडियो टाइटल से। चलो कोई बात नहीं, पता लग गया है तो फिर अब दिखाई देते हैं। ओ माय गॉड, क्या धमाकेदार गिफ्ट है दोस्तों, इसको बोलते हैं जबरदस्त गिफ्ट। वाह भाई वाह, ओ माय गॉड, आज तो मेरे गुड लक जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाने वाले हैं। इतनी खूबसूरत जो है भगवान की प्रतिमा है, जिसको देख के जो है मेरे अंदर जो है भक्ति भाव जो है जाग चुका है, आपके अंदर भी जाग जाएगा और आप भी जो है बहुत बढ़िया तरीके से भगवान की जो है पूजा अर्चना करेंगे। ओके, अब लास्ट जो है इसका हमको ये पार्ट निकालना है। तो ये आज से पहले इस तरीके का कलर जो है, डिज़ाइन तो शायद डिज़ाइन भी नहीं हमने इसके वीडियोस बनाए, बट ये कलर जो है ना इतना ज़बरदस्त है कि इसकी क्या ही कहने दोस्तों, क्या मैं कहूँ आपको, कोई इसके लिए मेरे को वर्ड ही नहीं मिल रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड, दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत ही खूबसूरत से जो है गणेश भगवान की मूर्त है। वाओ, और हाथ जो है इस तरीके का बनाया हुआ है। अब ये जो है कुछ कोई मिट्टी यहाँ पे लग रही है, आप देख सकते हैं आवाज़ आ रही है। तो इसको जो है आपको, ये अनब्रेकेबल नहीं है, ब्रेक हो जाएगा, तो आपको संभाल के इसको जो है रखना है। बक्से में भी आपने देखा काफ़ी बढ़िया तरीके से पैकेजिंग करी हुई है। तो गणेश जी जो है हमारे सबके जो है विघ्नहर्ता है, हमारे सबके प्राण रक्षक, और हमको जो है जीवन में सुख समृद्धि देने वाले भगवान हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी खूबसूरत से जो है गणेश भगवान हैं, और ये इनका काफ़ी बढ़िया बैठे हुए जो है गणेश भगवान, उस तरीके का यहाँ पे स्टैच्यू आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक जो पत्ता होता है उसके अंदर गणेश भगवान की मूर्त को जो है बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत इसको लुक दे रहा है। और यहाँ पे कुछ डायमंड्स वगैरह भी चढ़े हुए हैं। तो दोस्तों इसको जो है, जैसे कि मैं आपको बताया, आप अपने क्या बोलते हैं कि बर्थडे गिफ्ट, रिटायरमेंट गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट में भी कुछ हद तक दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप इसको गुड लक गिफ्ट के रूप में, जैसे कि जो है किसी शॉप के ओपनिंग में अगर जा रहे हो, कोई कारखाना जो है फैक्ट्री के ओपनिंग में, या तो खाद मुहूर्त में जा रहे हो, ऐसे ओकेजन पे दे सकते हैं। इसकी प्राइस जो है मैं आपको बता देता हूँ, 250 के आसपास में ये आपको ऑनलाइन या तो लोकल मार्केट में मिल जाएगा। तो इसको जो है आप ज़रूर से ट्राई करिए। इसकी बेस्ट बाय लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज तक हमने जो जो गणेश भगवान की मूर्तियाँ जो है उसमें पंचधातु है, चीनाई माटी के जो है कलरफुल गणेश भगवान के वीडियोस बनाए थे, एक हाँ एक वुडन स्टाइल जो है उसका भी बनाया था, बट ये वाले जो है कुछ नए हैं, तो मे भी आपको पसंद आ सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले गणेश जी के हम थोड़े से मंत्र आराधना कर लेते हैं। ओम गणेशाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। तो दोस्तों मुझे इतना ही आता है, आपको अगर ज़्यादा गणेश भगवान के अलग अलग मंत्र जाप आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।